क्या होगा अगर सुपर हीरो विद सिक्स गॉड पावर्स शज़ाम, रावण और शक्तिमान के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा, और इन तीनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? डीसी का छह गॉड्स की पावर्स वाला कैरेक्टर शज़ाम, इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान या लंकापति दशानंद रावण? तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो शज़ाम, शक्तिमान और रावण तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव चैन की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शज़ाम वर्सेस रावण की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें शज़ाम की, तो शज़ाम का असली नाम बिली बैटसन है, जो कि 16 साल का एक छोटा सा लड़का है जिसे विज़र्ड शज़ाम ने अपने चैंपियन के रूप में चुनके अपनी पावर्स दी हैं। और जैसे ही बिली बैटसन मैजिकल वर्ड शज़ाम बोलता है, वो एक छोटे लड़के से अडल्ट सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बनता है शज़ाम। बात करें शज़ाम की पावर्स की, तो शज़ाम के पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और इमोर्टैलिटी जैसी पावर्स है। मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर कभी नहीं मर सकता। और कॉमिक्स में जब शज़ाम और सुपरमैन के बीच फाइट होती है तो सुपरमैन खुद ये बात एक्सेप्ट करता है कि शज़ाम के पास भी उसके जैसे ही पावर्स हैं और पावर्स के मामले में शज़ाम भी ऑलमोस्ट उसके बराबर ही पावरफुल है। शज़ाम के पास सुपर हीरोज वाली सारी पावर्स हैं, जैसे कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो उड़ सकता है और वो बुलेट प्रूफ भी है। और कॉमिक्स में शज़ाम अपनी स्ट्रेंथ से 90,000 किलो के हेली कैरियर को उठा चुका है, स्पीड के मामले में डीसी के फास्टेस्ट कैरेक्टर फ्लैश के साथ रेस लगा चुका है और अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को भी क्रिएट कर चुका है। शज़ाम की पावर्स और शज़ाम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं रावण की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें रावण की, रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था, जिसे 6 शास्त्र और 4 वेद पूरी तरह से याद थे। रावण महान ऋषि विशर्वा और राक्षसों की रानी कैकेयी का बेटा था, इसलिए वो ब्राह्मण और असुर दोनों था और इसीलिए उसमें उसकी माँ की तरफ से राक्षसी गुण और शक्तियाँ और उसके पिता की तरफ से तेज दिमाग पहले से था, जिसके बाद उसने अपनी मेहनत और कठोर तपस्या से इतनी ज्यादा सिद्धियों और शक्तियों को प्राप्त कर लिया था कि वो तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली बन चुका था। रावण ने एक बार घोर तपस्या के दौरान ब्रह्मदेव को अपने डर से चढ़ाए, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने रावण को अमृत का वरदान दिया, जिससे रावण के पास सुपरनैचुरल हीलिंग और रीजनरेशन की पावर्स भी आ चुकी थी। इससे रावण इमॉर्टल हो गया और इसी की वजह से जब भी कोई रावण के सर या किसी भी बॉडी पार्ट को काट देता था तो रावण मरता नहीं था बल्कि वहाँ पे उसका दूसरा सिर आ जाता था। और ब्रह्मदेव के इस वरदान की वजह से किसी भी देव, दानव, सुर, असुर या नाग का रावण को हरा पाना इम्पॉसिबल था और उसे मारना या हरा पाना सिर्फ किसी मानव के लिए ही संभव था। रावण एक कुशल राजा था जो हमेशा अपनी सेना के आगे चलता था और उसने बहुत सारे युद्ध बगैर सेना के अकेले भी जीत लिए थे। रावण इतना ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था कि तीनों लोकों में किसी के लिए भी उसको हरा पाना लगभग असंभव था, इसलिए उसने यमराज पे आक्रमण करके उसे हरा दिया था, कुबेर से उसका अशोक विमान छीन लिया था और शनिदेव को भी हरा कर उसे बंदी बना लिया था। रावण इतना ज्यादा ड्यूरेबल था कि वज्र, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे और इंद्रदेव और वरुण देव जैसे देवता सिर्फ उसका नाम सुनते ही वहां से भाग जाते थे। रावण की पावर और रीजनरेशन का एग्जांपल हमें फाइनल फाइट में मिलता है, जहां पे उसने अपने सैकड़ों सिरों को दोबारा से रीग्रो किया था, लक्ष्मण और हनुमान जैसे महायोद्धाओं को हरा दिया था और वानरों के आधे से ज्यादा सेना को ब्रह्मा के तमशास्त्र से मार डाला था। रावण के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ थी पर वो कभी भी फाइट के दौरान अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं करता था क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। साथ ही उसके पास सुपर स्पीड, फ्लाई और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स भी थी, जो कि एक ट्रेन वॉरियर था और वो हर तरह की वेपन और कॉम्बैट को यूज करना जानता था। रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने ओपोनेंट के मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकता था, अपने मल्टीपल क्लोन्स बना सकता था और एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा भी कर सकता था। और रावण की हर एक वेपन सुपर पावरफुल और मैजिकल होती थी, जो कि एक ही अटैक में पूरे के पूरे प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। तो ये थी रावण की पावर्स। और रावण और शज़ाम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो शज़ाम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जिसे विज़र्ड शज़ाम ने उसकी पावर्स दी हैं, जो कि अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को क्रिएट कर चुका है और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपरहीरो सुपरमैन के ही बराबर पावरफुल है। पर फिलहाल बिली बैटसन 16 साल का एक छोटा सा लड़का है जिसे अपनी ट्रू पावर्स के बारे में नहीं पता और ना ही वो इन्हें यूज करना जानता है, जबकि दूसरी तरफ रावण है जो कि अपने टाइम के महाशक्तिशाली राजाओं, राक्षसों और देवताओं तक को हरा चुका है, जो कि ऑब्वियसली शज़ाम से कई गुना ज्यादा पावरफुल है।
पाएंगे। शज़ाम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ रावण पर अटैक करेगा, पर रावण बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और इवन वज्र, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते। इसलिए शज़ाम के किसी भी अटैक का रावण पर कोई भी असर नहीं होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि रावण इस फाइट को फाइट तक कंसीडर ना करे और शज़ाम को वार्निंग दे के छोड़ दे कि मूर्ख तुच्छ प्राणी, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। पर जैसा कि हम जानते हैं, शज़ाम भी एक टिपिकल मार्वल और डीसी सुपर हीरो जो कि पीछे नहीं हट सकता और मरते दम तक लड़ेगा। इसलिए उसे इस फाइट में मरते दम तक ही लड़ना होगा और वो मरेगा भी, और रावण के साथ उसकी फाइट कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो जाएगी। पर अगर उसे उसकी सभी पावर्स भी मिल जाएं, जैसे ब्लैक एडम को मिली और उसने अपनी पावर्स से सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स को हराया है, फिर भी इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि इवन इन सब पावर्स के साथ भी शज़ाम रावण के आसपास भी नहीं है और वो रावण की पावर्स को कभी भी मैच नहीं कर सकता। शज़ाम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ रावण पर अटैक करेगा, पर रावण पर इसका कोई भी असर नहीं होगा और रावण ऐसे खड़ा रहेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर मान लो ऐसा नहीं होता, शज़ाम अपनी फुल पावर्स का यूज करके अपना सुपर पावरफुल अटैक करता है जिससे रावण का सर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर भी रावण नहीं मरेगा बल्कि वहाँ पर उसका दूसरा सिर आ जाएगा, क्योंकि रावण की नाभि में अमृत है और वो इमॉर्टल है। जबकि दूसरी तरफ शज़ाम पावरफुल तो बहुत है पर वो इमॉर्टल नहीं है, उसे भी दर्द होता है और खून उसका भी बहता है। हाँ, क्योंकि शज़ाम एक ह्यूमन है इसलिए ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से वो एक्चुअली रावण को मार सकता है। पर फिर सवाल आता है कैसे, क्योंकि रावण अपने टाइम के महाशक्तिशाली राजाओं, राक्षसों और देवताओं तक को हरा चुका है जो कि शज़ाम से कई गुना ज्यादा पावरफुल होंगे, और शज़ाम किसी भगवान का अवतार भी नहीं है। अगर विभीषण शज़ाम के पास जाके उसे नाभि में अमृत के बारे में बता दे वो अलग बात है। इन दी एंड शज़ाम ना ही रावण को मार सकता और ना ही उसे हरा सकता है, जबकि रावण थोड़े ही टाइम में शज़ाम को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। इसलिए रावण इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो, इन दी एंड जीतेगा रावण ही। तो बात करते हैं शज़ाम वर्सेस शक्तिमान की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें शक्तिमान की, शक्तिमान हमें पहली बार 1997 के एक टीवी शो में देखने को मिला था और ये पहली सुपर हीरो सीरीज थी जो पूरे भारत में फेमस हुई थी। बात करें शक्तिमान के ओरिजिन की, तो मानवता की शुरुआत में इंसान बहुत सुखी थे, पर सदियां बीती और तीन युग बीते और वही इंसान जो इतने टाइम से शांति और प्यार से रह रहे थे, उनके दिल में लालच और बुराई आने लगी और वंशी बुलाते थे, उन्होंने एक इंसान को चुना और उस इंसान को कुंडलिनी योगा के द्वारा अपने शरीर के साथ चक्रों को जागृत करके कंट्रोल करना सिखाया और इन चक्रास को जागृत करके उसे बहुत सारी सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स मिली। और इन पावर्स पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए उसने अपनी बॉडी को एक यज्ञ के दौरान यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया और डेथ की जगह उसे मिली सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स और उसकी बॉडी 5 लाइफ एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो गई, जिससे उसे इन 5 लाइफ एलिमेंट्स पर फुल कंट्रोल मिला और उसने पूरी दुनिया से लालच और बुराई को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली। और उसके इसी काम को देखते हुए एक रिपोर्टर जिसका नाम गीता विश्वास था, उसने उसका नाम शक्तिमान रखा। और बाद में हमें पता चलता है कि शक्तिमान एक्चुअली श्री सत्या का जन्म है, जो कि महाभारत के टाइम में सूर्यवंशी का हिस्सा थे और वो अपनी इस लाइफ में एक नॉर्मल फोटोग्राफर रिपोर्टर है जिसका नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो शक्तिमान के पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एलिमेंट मैनिपुलेशन और इमोर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। शक्तिमान अपनी बॉडी को 5 लाइफ एलिमेंट फायर, एयर, अर्थ, स्पेस और वाटर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उसकी यही चीज उसे इमोर्टल और अनडिफ्यूजिबल बना देती है, क्योंकि अगर उसे मारकर उसकी पूरी की पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक हमारे यूनिवर्स में फायर, एयर, अर्थ, स्पेस या वाटर में से कोई एक भी एलिमेंट है, तब तक शक्तिमान को मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर शक्तिमान का कोई एनिमी शक्तिमान को मारना चाहता है तो पहले उसे पूरे यूनिवर्स से इन 5 लाइफ एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, या इन अदर वर्ड्स पूरे यूनिवर्स को, उसके बाद खुद की बॉडी को और उसके बाद शक्तिमान को। पर अगर एक भी लाइफ एलिमेंट बच गया तो शक्तिमान दोबारा से रिबॉर्न हो जाएगा। शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है, डायमेंशंस के बीच में ट्रैवल कर सकता है और सुपरमैन की तरह अपनी आंखों से लेजर लाइट भी छोड़ सकता है। और शक्तिमान की ये सब पावर्स उसे मार्वल और डीसी के बहुत सारे सुपर हीरो से कई गुना ज्यादा पावरफुल बना देती है। साथ ही शक्तिमान के पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है जिससे उसे अपने यूनिवर्स पता होता है। तो ये थी शक्तिमान की पावर्स। और शक्तिमान और शज़ाम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों
में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो शज़ाम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसे विज़र्ड शज़ाम ने उसकी मैजिकल पावर्स दी हैं, जो कि अपने एक ही पंच से ब्लैक होल को भी क्रिएट कर चुका है और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपरहीरो सुपरमैन के ही बराबर पावरफुल है। पर फिलहाल वो सिर्फ एक 16 साल का छोटा सा लड़का है जिसे अपनी पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही उसे अपनी पावर्स यूज करनी आती है। जबकि दूसरी तरफ शक्तिमान एक ट्रेंड फाइटर है जो की हजारों लड़ाइयां लड़ चुका है, उन्हें जीत चुका है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उसकी पावर्स को मैच करके उसे एक अच्छी फाइट दे पाए हैं। शज़ाम वैसे तो बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है पर फिलहाल बिली बैटसन ये नहीं जानता कि एक्चुअली उसकी ट्रू पावर्स क्या है, वो इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं और वो क्या क्या कर सकता है। वहीं पर ब्लैक एडम सेम पावर्स के साथ सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स को भी हरा चुका है और फिलहाल शज़ाम जिस लेवल पर है शक्तिमान इस फाइट को फाइट तक कंसीडर नहीं करेगा और शज़ाम को ये बोलेगा कि बेटा घर जाकर अपना काम करो। पर अगर शज़ाम को उसकी सभी पावर्स भी मिल जाए फिर भी इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि शक्तिमान इमॉर्टल है। शज़ाम अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करके शक्तिमान पर अटैक करेगा पर शक्तिमान बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और लाइट की स्पीड से मूव भी कर सकता है, इसलिए शक्तिमान शज़ाम के किसी भी अटैक को इजीली डॉज या सर्वाइव कर सकता है। पर मानो ऐसा नहीं होता और शज़ाम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ शक्तिमान पर एक सुपर पावरफुल अटैक करता है जिससे शक्तिमान की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसे फिर से रिवाइव कर लेंगे और जब तक शक्तिमान के आसपास 5 लाइफ एलिमेंट्स में से एक भी एलिमेंट अवेलेबल है शक्तिमान इमॉर्टल है और शज़ाम चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो वो एटलीस्ट 5 लाइफ एलिमेंट्स को तो यूनिवर्स से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। जबकि दूसरी तरफ शज़ाम पावरफुल तो बहुत है पर वो इमॉर्टल नहीं है और वो फाइट के दौरान मर सकता है। हालांकि शज़ाम बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है पर उसे भी दर्द होता है और उसका भी खून बहता है। इन दी एंड ये दोनों ही बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है पर शज़ाम ना ही शक्तिमान को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि शक्तिमान शज़ाम को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। हालांकि शक्तिमान शज़ाम को नहीं मारेगा क्योंकि शक्तिमान बुराई को मारता है ना कि बुरे लोगों को, पर फिर भी शज़ाम को हरा कर शक्तिमान इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर बनेगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा शक्तिमान ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।